ममता जी कौन हमारे समर्थन में है, या अखिलेश जी कौन समर्थन में, और नीतीश जी कौन समर्थन में, जिनसे जिनसे मिलना चाहे सब मिल लें। नीतीश कुमार लड़ते हैं यूपी से तो खतरा? कोई खतरा नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे। वो बिहार से लड़ेंगे, जीते कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज ही सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात करने का प्लान बनाकर सियासी खलबली मचा दी है। आज नीतीश कुमार पहले ममता बनर्जी फिर अखिलेश यादव से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बातचीत होगी। वहीं नीतीश के इस प्लान पर बीजेपी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके इस प्लान पर कहा, केशव जी कैसे देख रहे हैं इस बैठक को, ताना बाना विपक्ष बन रहा है लोकसभा चुनाव को? देखिए, हम लोग यह मानते हैं कि जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है, कमल के फूल के लिए है। कोई भी बैठक, मैं यह मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी घटा नहीं सकती, कोई भी बैठक। और यह सीता मैया और भगवान राम की धरती का मामला है। अगर भगवान श्री राम की जन्मभूमि यानी धरती पर 80 लोकसभा सीटें हैं, तो माता सीता की धरती पर 40 लोकसभा सीटें हैं। हम 120 लोकसभा सीटें तो अस्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि एकतरफा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई बैठक, ये जातिवादी बैठक, परिवारवादी बैठक, स्वार्थवादी बैठक, इसका कोई स्थान नहीं है। लोग चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, देश का सम्मान चाहते हैं लोग, गरीब का कल्याण चाहते हैं लोग। जब सत्ता में रहे या जो सत्ता में हैं वो अपने कर्तव्य पालन में विफल हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, आप समझिए कभी हमारी 2 सीटें रहा करती थी, आज सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को रोको, बीजेपी को रोको। ये सारे लोग रोकते रह जाएंगे, लेकिन जनता अब आगे बढ़ा देगी, क्योंकि जनता ने यह तय करके रखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का एक संकल्प लेकर के जो कार्य करके दिखाया है, कोई भाषण का विषय नहीं है, उसका प्रभाव व्यापक तौर से। कुमार ममता बनर्जी से ही मिल रहे हैं, कोई प्लानिंग है? नहीं तो ममता जी कौन हमारे समर्थन में है, या अखिलेश जी कौन समर्थन में, और नीतीश जी कौन समर्थन में, जिनसे जिनसे मिलना चाहें सब मिल लें। लेकिन आप विश्वास रखिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2019 का रिकॉर्ड लोकसभा के चुनाव में जो हमारा बना है 300 पार का, वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, नीतीश कुमार लड़ते हैं यूपी से तो खतरा? कोई खतरा नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे। वो बिहार से लड़ेंगे, जीते कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।